अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारे तो है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल, और देखने जा रहे हैं फाइव स्टार वाटर पार्क। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला वाटर पार्क है फन एंड पूल। वैभव ने रिव्यू दिया है, नथिंग लाइक व्हाट यू सी इन फोटोज, यू हैव टू सी द प्लेस एंड ओनली देन डिसाइड इफ यू वांट टू गो। वो कह रहा है फोटो पे विश्वास मत करो, खुद जाके देखो कि तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये ब्लर कर देना वैभव भाई, जब ये मोदी जी को यहाँ ले आए तो हमारी क्या ही औकात है। मोदी जी के साथ टेंशन मत लो मोदी जी, हमारी और आपकी फोटो को कोई नहीं रोक सकता, मेलनी भाभी भी नहीं। बाबा भाई आकर देख लिया, देखकर तो लग रहा है आना चाहिए। मोबाइल कवर ये कितने का है? 150 रुपए। कम नहीं होगा? भीगेगा तो नहीं ना इसमें? यार ना फटना नहीं चाहिए, बस फटना नहीं चाहिए। तो गाइस हमारा अगला रिव्यू दिया है चाणक्य एकेडमी ने। बकवास है, मैं FIR दर्ज करने जा रहा हूँ, ये 5 का मोबाइल कवर बेचते हैं, उस फोन का नहाओ तो मोबाइल में पानी घुस जाता है, और मेरा मेरे दोस्त का मोबाइल खराब हो गया और 1000 रुपया लगा मोबाइल बनवाने में। कई चाणक्य को ये मिला था 5 में और मेरे को तो 150 का मिला, फिर भी अगर इसमें पानी घुसा और खराब हुआ तो मैं भी चाणक्य के साथ FIR करने जाऊंगी। चाणक्य को जानते हो? कोई पुराना दुश्मन लगता है तुम्हारा। फेंको पानी में। झूठा भी नहीं है एक बूंद भी, ये रिव्यू तो झूठा था। अगला देखते हैं। मेघा गोयल ने रिव्यू दिया है, एकदम बकवास फूड, क्वालिटी लू मत जाना, यहाँ पैसे वास्ट है टोटली। झूठी है तू, झूठी। फूड क्वालिटी अच्छी है इनकी गाइस, ये रिव्यू झूठा है। पूजा ने रिव्यू दिया है कि भाई वेरी बैड एक्सपीरियंस, स्विमिंग पूल इज सो डर्टी, राइड करने के लिए गई तो पानी ही बंद कर दिया। वाटर पार्क लोग राइड करने आते हैं और राइड करने जाए और कोई पानी बंद कर दे, ना इंसाफी तो बहुत है। राइड चालू कर रहे हैं, ये वाली चालू है और ये वाली राइड, ये वाली तो बंद है अभी। यहाँ पर सारी राइड चालू है, बस एक यही बंद है। मेरा भाई भी बैठ जाएगा? तू भी बैठ जाएगा? चलो मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे लिए भी होता है।
अब आ रही है मेरे फाइनल रिव्यू की। स्टाफ बहुत अच्छा था, आपकी मदद भी करता है, खाना भी मस्त था, मजा आ गया मंचूरियन खाके, राइड्स भी एक नंबर है और उनमें पानी भी आता है। फोर स्टार, पूल थोड़ा साफ होता तो 5 भी दे सकते थे। नहा धोकर कपड़े बदल कर अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाटर पार्क। पूरा दिन मोबाइल पे गेम खेलती रहती हो। ये जो बेटा तुझे सुबह से लेके शाम तक इतने वाटर पार्क घुमा रही हूँ, इसका पैसा ना निकालूं। फोन पे गेम खेलकर। हाँ भाई, फोन पर गेम्स खेलकर, क्योंकि ये गेम्स मैं खेलती हूँ पारी मैच पर। ये देख जीत गई ना गाइस, आप भी पारी मैच पर 5,000 से ज्यादा गेम्स खेलकर रिवॉर्ड जीत सकते हो। इसका लिंक पिन कमेंट में है और न्यू यूजर्स को 1,05,000 तक का बोनस भी मिल रहा है। पर देखो भाई, ऐसे गेम्स में हार और जीत दोनों के चांसेस होते हैं, तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, ठीक है? तू भी कर ली। हमारा अगला वाटर पार्क है डिज्नीलैंड, और डिज्नीलैंड के लिए सबसे पहला रिव्यू दिया है शाहिद कार डेंटल ड्राई डेंटिक ने। हिंदुस्तान सबसे बकवास वाटर पार्क। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये भी है। बकवास का तो पता नहीं, पर शायद भाई पूरा नहीं है ये, ये अधूरा है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। पहली बार कोई वाटर पार्क मेरी आंखों के सामने है पूरा। अगला रिव्यू दिया है भाई आदिल खान ने। फुल लूट मरी मचा रखी है, कॉस्ट्यूम के नाम पर निक्कर दे देते हैं। कॉस्ट्यूम चाहिए सामने फूड काउंटर पे, कॉस्ट्यूम के बिलिंग फूड काउंटर पे है, फिर खाना भी यही मिलता होगा। कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम लोकर का अलग प्राइस है और कॉस्ट्यूम के ओके दे दो। आपको मैं 420 रुपये देंगे, 200 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे सिक्योरिटी। 420 ये लोग कॉस्ट्यूम का अलग पैसा ले रहे हैं, लोकर का अलग पैसा ले रहे हैं, टिकट का अलग पैसा लिया इन्होंने। सही बोल रहा था आदिल भाई, लूट मचा रखी है, फुल लूट। ताला चाबी का 100 रुपए लिया है। ये कपड़े पहन के मैं नजर तो नहीं मिला सकती किसी से, लग रहा मजे करने नहीं आई, यहाँ का स्टाफ हूँ मैं। ये जो इन्होंने लॉकर के लिए ताला चाबी दिया है ना, ये मेन गेट पे लगाना चाहिए इनको। अगला रिव्यू दिया है सुनीता सुंदरियाल ने। यहाँ पर आप स्टे नहीं कर सकते नाइट में, कोई सर्विस नहीं देते नाइट में इस वाटर पार्क में, जहाँ कोई दिन में नहीं आ रहा वहाँ पे सुनीता को रात में क्यों रुकना है भाई। और डे में फूड बहुत कॉस्टली है, 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक 60 की है, जबकि बाहर 40 में पूरी बोतल आती है और ये लोग 1 ग्लास 60 रुपए की देते हैं। जो फूड है वो ये टिकट पे नहीं मिलता, फूड अलग से लेना पड़ता है। एक पनीर राइस दे दो और एक दे दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, दे दो, कहाँ मिलेगा? ये 60 कोल्ड ड्रिंक हमें MRP पे ही मिली है, 60 रुपए लिखा हुआ है। सुनीता रात को तुझे यहाँ क्यों रुकना और कौन सी जरूरत पूरी करनी है मुझे नहीं पता, और कोल्ड ड्रिंक MRP पर मिल रही है, खाना बढ़िया है। तो सुनीता का रिव्यू तो भाई गलत है, झूठ भी है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर रखा है? देखो ऐसे होते हैं अच्छे लोग, तुम भी करो सब्सक्राइब, बोलो इतनी सुंदर लड़कियाँ बोल रही है, अब तो कर दो शर्म करो। अगला रिव्यू दिया है लता अग्रवाल ने। वेरी पुअर वाटर पार्क।
ट्यूब तो है ही नहीं, हर स्लाइड पर दो ट्यूब है ओनली, स्लाइड भी ज्यादा नहीं है, फैसिलिटी भी ज्यादा नहीं है। ये भाई बहुत ही बड़ा रिव्यू है कि वाटर पार्क में फैसिलिटी नहीं है, स्लाइड नहीं है, स्लाइड है तो उस पर ट्यूब नहीं है। ये देख रहे हो सब मस्त आराम फरमा रहे हैं, तो कोई ना हो तो सही बात है, जब कोई है नहीं तो क्या करे, खड़े थोड़े रहेंगे। देखो भाई कोई आएगा तो राइड कराएंगे, जब नहीं आ रहा तो बंदा क्या खड़ा थोड़ी रहेगा, बॉर्डर पे थोड़ी की सलामी देनी है। स्लाइड चल रही है, सारी चल रही है लता जी, यहाँ तो राइड्स भी चालू है और ट्यूब्स भी बहुत सारी रखी हुई है, बस अब राइड करके देखना है कि ये राइड सही से काम करती भी है कि नहीं। स्मिता तेरा रिव्यू मंगया किसी ने है? कई स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स वर्क भी करती है अच्छे से, तो कुल मिला के सुनीता का रिव्यू गलत है। गाइस आप टाइम में मेरे फाइनल रिव्यू का टिकट प्राइस बहुत ज्यादा है और हर चीज का अलग से पैसा लेना बंद करो। वाटर स्लाइड कम है पर जो है वो सही से काम करती हैं और इस वाटर पार्क को थोड़ा बड़ा करो यार, 2.5 स्टार। गाइस हमारा अगला वाटर पार्क है वाओ वर्ल्ड ऑफ वंडर और ये बहुत ज्यादा फेमस है और भाई वाओ के लिए सबसे पहला रिव्यू दिया है बालाजी ट्रैवल ने लिखा है, नो झूलास एंड स्विमिंग पूल, ना झूला है ना पूल है तो फिर है क्या वाओ में, चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बालाजी ट्रेवल्स किसी गलत वाटर पार्क में पहुंच गया था, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे झूला और पूल दोनों दिख रहे हैं। गाइस अगला रिव्यू दिया है माला सिंह ने, पॉटी तैर रही थी जीरो हाइजीन। माला जी अगर लिखना था तो पूरा तो लिखना था कि पोटी कहाँ तैर रही थी, अब मैं कहाँ चेक करूँ पोटी कहाँ मिलेगी मुझे तैरती हुई, नहीं है पोटी भाई, कहाँ भी नहीं है पोटी। माला यहाँ पे कोई पोटी नहीं है। गाइस अगला रिव्यू दिया है शशांक चौहान ने, फ्री में भी ना जाऊं, दैट प्लेस इज सो मच क्राउडेड। इधर तो कोई चीज है, शशांक घर ही बैठ तू। अगला रिव्यू दिया है प्रिया झा ने, बदतमीज स्टाफ है यहाँ के, कोई तमीज नहीं है, कैसे लोगों से बात की जाती है, बहस करने में एक्सपर्ट है, गाली देने में भी एक्सपर्ट है और बदतमीजी तो ये है ही, घटिया स्टाफ, थम्स डाउन। मन तो कर रहा है नाम भी मेंशन करूं पर खैर जाने तो किसी की नौकरी चली जाएगी, गुस्से वाला फेस, बदतमीज की फौज खड़ी कर रखी है, घटिया घटिया घटिया, इनका स्टाफ एक नंबर घटिया। प्रिया ने अगर इतना सारा लिखा है वो भी इतने सारे इमोजीज के साथ तो बिचारी को कुछ तो लगा होगा। स्टाफ से ना उलूल जुलूल बात करूंगी ताकि उन्हें गुस्सा आए, फिर देखूंगी कि स्टाफ हम्बल है पोलाइट है या फिर प्रिया के हिसाब से घटिया है। बंद है क्या ये? क्या राइड करूं, मजा ही नहीं आ रहा, स्टाफ भी ऐसा ही है यहाँ पे, ना कोई किसी को बात करने की तमीज है, वो कुछ भी बोल दे रहा है, राइड भी ठीक ठीक है, मजा नहीं आया, बेकार है। यही काम करते हो क्या, कितने टाइम से? दूसरी साल है। नहीं नहीं क्या ही पता, वो तो नए है। पहले जो कस्टमर्स की रिस्पेक्ट वगैरह होती थी यहाँ वो भी नहीं हो रही है। देखो मैं बात कर रही हूँ, आप बात करते करते उधर चले जा रहे हो, वो बात करते करते मुंह फेर ले रहे हैं। यहाँ काम करते हो? हैं? कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में? जनरल में। तो प्रिया ने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें बात करने नहीं आती? क्योंकि वो पागल है। प्रिया तो मुझे गाली पड़वा देगी, मेरी बात का बुरा बुरा मत मानना, हम ना बस यहाँ चेक कर रहे थे कि यहाँ पे स्टाफ कैसा है, वो प्रिया ने यहाँ पे रिव्यू दिया है कि बदतमीज स्टाफ है, कोई तमीज नहीं है, कैसे बात की जाती है, घटिया स्टाफ। कई बार यहाँ पे ये गेस्ट हैं नहीं मानते हैं तो उन्हें थोड़ा सा डांटना पड़ता है, नहीं समझते हैं भाई। प्रिया सुधर जा, डांट नहीं पड़ेगी, गलती करेगी तो। गाइस
देखो गलती करने पर डांट तो पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टाफ घटिया है, स्टाफ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। अगला रिव्यू लिखा है निशांत उपाध्याय ने, कोई राइड नहीं चल रही इन कुत्तों की। निशांत भाई सारी राइड नहीं चल रही, उसका इल्जाम लगाना बंद कर दो भाई। राइड चल रही है भाई, निशांत भाई आजा भाई। निशांत वाटर पार्क आ जाओ, राइड चल रही है। निशांत राइड चल रही है वाटर पार्क, आ जाओ। अब आ जा, अब चल रही है राइड। वाटर पार्क बढ़िया है, राइड्स भी एक नंबर है और सारी चलती भी है, स्टाफ भी मस्त है और बिल्कुल साफ सुथरा है, हाइजीनिक। काश मैं यहाँ डेली फ्री में आ पाती। फोर स्टार। मैंने इतने रिव्यू करे, तुम थोड़े डल के कमेंट करो मेरी वीडियो के लिए कि कैसी लगी वीडियो, और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो। इतनी देर से टट्टी ढूंढ रही हूँ। यार बिल्कुल यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा ना गर्मियों में वाटर पार्क जाते हैं लोग, तो ठीक है हर एक के साथ एक कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है, बाकी एक काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि एक स्टाफ का भी कोई कसूर नहीं होता, कभी रश होता है कभी नहीं होता, कहीं महंगा कहीं सस्ता ऐसे ही चलता है। लेकिन ये कि जितने भी पार्क्स में वो गई हैं ना, सब कमाल के थे यार, बढ़िया थे, बहुत एक अच्छे थे। नहीं वाकई सही है कि पार्क भी भाई काफ़ी घूमने वाले हैं, और एक ठीक है कि गर्मियों का सीज़न जब होता है ना तब एक रश वगैरह बहुत होता है, तो ये ऊंच नीच हो जाती है कभी कभी लोगों के साथ है। लेकिन जो रिव्यू जाकर देते हैं ना, वो फ्री बैठ कर जो जो एक गलती छोटी सी भी वो नोट करते हैं ना, उधर भी उन्होंने बोला होता है, लेकिन वो सही था, पोटी भी तार रहता है। तक देते हैं यार, लेकिन फिर भी यार एक अच्छा काम वहाँ पे यही है कि कम से कम एक रिव्यू वगैरह भी लोग पढ़ते हैं, और एक गुस्सा निकालने के लिए रिव्यू लिखते भी हैं। और देखो ना, एक सिचुएशन के हवाले से, एक सिचुएशन के लिहाज से बार दफ़ा एक चीज़ें हो जाती हैं, एक रश कभी गर्मी ज़्यादा होती है, जब रश ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त ज़ाहरी बात है एक स्टाफ बेचारे ने मैनेज करना होता है हर एक को, बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो हर एक को साथ के साथ उन्होंने, तो उस वक्त कोई ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन ये कि एक उन्होंने तो भाई एक जिस में भी गए उनको एक सारे ही अच्छे लगे हैं भाई। बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है भाई, एक काफ़ी एक एक्टिविटी है, लोग अपनाते हैं एक सुकून के साथ है, और कोई इतना मतलब के इशू नहीं है, एक स्टाफ भी ठीक है, एक मैनेज कर रहा है काफ़ी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है भाई, एक खास करके क्योंकि इधर पार्क हमने भी देखे हैं, इधर ऐसा कोई सीन नहीं, अगर हैं भी तो एक अलग अलग है, एक फैमिली का अलग दूसरों का अलग, एक एक इकट्ठा है कि हमने नहीं पार्क देखा इधर, लेकिन फिर भी यार उधर काफ़ी एक VIP एक पार्क है देखने के लिए और घूमने के लिए। लेकिन रिव्यू पर आए तो रिव्यू तो भाई लोग देते ही रहते हैं, लेकिन लड़की ने सारे को गलत भी किया और कईयों को एक ठीक भी किया, खुद जाकर टेस्ट। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।